दोस्तों आप लोगों ने टीवी इंडस्ट्री का पॉपुलर टीवी सीरियल सोन परी तो जरूर देखा होगा। इस सीरियल को सबसे ज्यादा बच्चे पसंद किया करते थे, तो वहीं सीरियल में फ्रूटी के किरदार को हर किसी ने पसंद किया। लेकिन क्या आप जानते हैं, फ्रूटी के अलावा एक और किरदार भी था जिसको दर्शकों ने भरपूर प्यार दिया था और आज तक दर्शक उस किरदार को भुला नहीं पाए। ये किरदार था सोन परी का, जिसको दर्शकों ने सबसे ज्यादा पसंद किया। लेकिन क्या आप जानते हैं, सोन परी में सोन परी का किरदार निभाने वाली ये अभिनेत्री आज कहाँ है, क्या करती, कैसे दिखती है? अगर आप भी सोन परी के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को एंड तक बने रहें और साथ ही सुपर हिट सीरियल सोन परी के लिए हमारे वीडियो को लाइक कर दें। दोस्तों, टीवी इंडस्ट्री के सुपर हिट सीरियल सोन परी में सोन परी का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री का असली नाम मृणाल कुलकर्णी है। मृणाल कुलकर्णी का जन्म 21 जून 1971 को पुणे में हुआ। आपको बता दें, कुलकर्णी ने 16 साल की उम्र में मराठी टीवी सीरियल स्वामी से डेब्यू किया। इस सीरियल में उन्होंने पेशवा माधवराव की पत्नी रमाबाई पेशवा का किरदार निभाया। छोटी उम्र से एक्टिंग के बावजूद मृणाल को एक्टिंग में कुछ खास रुचि नहीं थी। पहले वो अपनी पढ़ाई खत्म करना चाहती थी, उसके बाद ही वो अपना करियर एक्टिंग में बनाना चाहती थी। लेकिन इसी बीच उन्हें लगातार एक्टिंग के ऑफर आ रहे थे, जिसकी वजह से 1994 में मृणाल ने एक्टिंग के क्षेत्र में करियर बनाने की सोच ली, जिसके बाद मृणाल ने कई सीरियल्स में काम किया जिसमें श्रीकांत, द ग्रेट मराठा और द्रौपदी जैसे सीरियल शामिल हैं। लेकिन इनको खास पहचान मिली टीवी सीरियल सोन परी से, जिसमें इन्होंने सोन परी का किरदार निभाकर हर किसी का दिल जीत लिया। इस सीरियल में इनके किरदार को दर्शकों ने खूब प्यार दिया। दूसरी ओर इसमें तन्वी हेगड़े फ्रूटी का किरदार निभाते हुए नजर आई, जिनको दर्शकों ने खूब पसंद किया। इसके अलावा इस सीरियल में दीपशिखा नागपाल को नेगेटिव कैरेक्टर निभाते हुए देखा गया। उस समय ये टीवी सीरियल छोटे पर्दे का हिट सीरियल बन गया था। सीरियल के अलावा मृणाल विज्ञापन जगत का भी एक जाना पहचाना चेहरा बन गई। इसी वजह से मृणाल को कई बॉलीवुड फिल्मों के रोल ऑफर होने लगे। बॉलीवुड में मृणाल ने आशिक, कुछ मीठा हो जाए, मेड इन चाइना और राम गोपाल वर्मा की आग जैसी फिल्मों में काम किया। इसके अलावा मृणाल ने डायरेक्शन के क्षेत्र में डेब्यू किया। उन्होंने पहली मराठी फिल्म प्रेम माझे प्रेम आस्था डायरेक्ट की। मृणाल ने ग्रेजुएशन खत्म करने के बाद ही अपना करीबी दोस्त रुचिर कुलकर्णी संग शादी के बंधन में बंध गई। उन्होंने साल 2018 में आखिरी बार मराठी फिल्म ये रे पैरेसा भी की थी। लेकिन आज भी मृणाल कुलकर्णी दिखने में काफी खूबसूरत नजर आती है, जैसा कि इनकी तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। तो दोस्तों, आप सभी को मृणाल कुलकर्णी का अभिनय सोन परी में कैसा लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और टीवी इंडस्ट्री से जुड़ी और भी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी कर दीजिए।